आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक एक बात बताऊंगा कि आप अगर एक एडवोकेट हो या फिर एक लॉ स्टूडेंट हो या फिर एक लॉ ग्रेजुएट हो, आपके मन में एक डाउट आता होगा कि यार मैं एक एडवोकेट बन गया हूं लेकिन मेरे पास इतना काम नहीं आ रहा है, तो क्या मैं कोई अपना काम खोल सकता हूं या मैं कोई अपना बिजनेस कर सकता हूं या फिर एडवोकेसी के दौरान एडवोकेट के साथ साथ क्या मैं कहीं पर जॉब कर सकता हूं। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स होंगे, लॉ ग्रेजुएट्स होंगे, एडवोकेट्स होंगे जिनके मन में यह डाउट अराइज होता होगा कि क्या कोई बार काउंसिल वाला मेरे को जो है बार काउंसिल वाले मेरा क्या लाइसेंस टर्मिनेट कर देंगे, रद्द कर देंगे, मेरा जो एडवोकेसी का जो मेरा अधिकार है केस लड़ने का क्या वो छीन लेंगे, क्या मेरे ऊपर कोई पेनल्टीज लग सकती है या नहीं लग सकती, ऐसी बात कहीं पर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। इस वीडियो को मैं शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा, मैं एक एक बहुत जेन्युइन नॉलेज दूंगा, पूरे लाइफ में आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं बताएगा, गारंटी देता हूं। पूरे YouTube पे आप छान मारना ये चीज, ये बातें बिल्कुल इतनी आसान शब्दों में आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मुझे जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए आपको जुडिशरी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी भी जुडिशरी के बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल कोर्सेज आपके लिए लेके आया है। यहाँ पर आपको प्लस क्लासेस चलती हैं, इसके अंदर आपका सारा सिलेबस कवर होता है अलग अलग स्टेट्स का, जो भी स्टेट की आप तैयारी करना चाहते हो, आप माइनर एक्ट्स, मेजर एक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, ट्रांसलेशन, जीएस, जीके, मेंस की आंसर राइटिंग, सारी चीज़ें आपकी जुडिशरी के हमारे सब्सक्रिप्शन के कोर्सेज के अंदर कवर होती हैं। एक बेस्ट ऑफर अनअकैडमी की तरफ से जिसमें आपको 12 महीने पे 1 मंथ फ्री मिलेगा, 18 महीने पे 2 मंथ फ्री मिलेगा, 24 महीने का प्लान लेने पर आपको 4 मंथ फ्री मिलेगा। यहां पर फ्री क्लासेस भी चलती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। T20 की टेस्ट सीरीज भी अक्टूबर मंथ की हमारी लॉन्च हो चुकी है, आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देख सकते हो SLG10 का कोड यूज करने के बाद। साथ ही में और भी बहुत सारे बैचेस आते रहते हैं, तो आप अगर अनअकैडमी पे जुडिशरी का प्लस कोर्सेज का प्लान करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके प्राइजेस जो है स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, आपका जो भी बैच सुटेबल आपको लगता है, आपको हर एक बैच के ऊपर 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा SLG10 का कोड यूज करने के बाद में। साथ ही में मेरी भी फ्री क्लासेस चलती हैं, आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे, सर्च गोल पे जुडिशरी का ऑप्शन चूज करोगे, सर्च पे जाके आप आयुष जैन क्लिक करोगे, आपको मेरी फ्री क्लासेस लाइव देखने को मिल जाएंगी, एज वेल एज आप मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकती हो। सबसे पहले बात आती है कि एडवोकेट्स आर अलाउड टू डू एनी बिजनेस इन इंडिया, कि क्या एडवोकेट्स अलाउड हैं कि भाई अपना आप एडवोकेसी भी करते रहो और साथ में कोई अपना बिजनेस भी खोल लो, कहीं पे जॉब भी कर लो, क्या ऐसा अलाउड है इंडिया में या नहीं है, इसका जवाब पूरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात करूं तो जो हमारा लीगल प्रोफेशन है वो क्या है, एक नोबेल प्रोफेशन है भाई, सबसे बढ़िया और सबसे टॉप मोस्ट प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है इंडिया के अंदर, आप मानो या ना मानो ये रियलिटी है। लेकिन इसके अंदर जो है ना, आपको अपने क्लाइंट्स को जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए भाई बहुत सारा मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत रातें लगती हैं अपने आपको या अपने केस को प्रिपेयर करने के लिए। इसके साथ में प्रोफेशनल नोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है भाई, इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाए तो प्रोफेशनल नोबिलिटी जो है ना वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो डिग्निटी है, एडवोकेट्स जो एक डिग्निटी डिग्निफाइड प्रोफेशन है और नोबल प्रोफेशन है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ कुछ आपको छूट भी दे रखी है कि भाई आप ये काम कर सकते हो, वो क्या काम कर सकते हो उसको भी बताया जाएगा। पहली बात आती है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो क्या है, वेरियस रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखता है एडवोकेट्स के ऊपर। अब ये रिस्ट्रिक्शंस क्या है ये भी बता रहा हूं, साथ साथ इसमें सॉल्यूशन भी दूंगा कि आप ये नहीं तो ये काम कर सकते हो, ऐसे नहीं तो आप ऐसे काम कर सकते हो। मैं बताता हूं, सबसे पहली बात, आप एज अगर एडवोकेट हो, एडवोकेट की बात कर रहा हूं मैं, आप अगर लॉ स्टूडेंट हो, लॉ ग्रेजुएट हो, तो भाई आप कोई भी जॉब कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने अपना एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में कराया हो या AIB क्लियर करके पूरे ऑल ओवर इंडिया की बार काउंसिल का अपने मेंबरशिप ले लियो, तब आप अगर ऐसे एडवोकेट बन जाते हो, एडवोकेट का आपके ऊपर टैग लग जाता है, तब की बात बता रहा हूं मैं। लॉ स्टूडेंट हो या लॉ ग्रेजुएट, तब आप कुछ भी करो, तब आप बार काउंसिल नजर में नहीं हो, आप केस लड़ने के अधिकार आपके पास अभी नहीं है। मैं उनकी बात करूं जो एडवोकेट है जिनके पास केस लड़ने का अधिकार है। तो सबसे पहली बात करूं, आप कैन नॉट टेक अदर एम्प्लॉयमेंट वाइल सर्विंग एज एन एडवोकेट, मतलब सिंपल बात है कि भाई आप कहीं पर जॉब नहीं कर सकते, आप सिंपल बात है आप कहीं पर जॉब नहीं कर सकते अपनी एडवोकेसी के दौरान, मतलब अगर आपके पास एडवोकेट का लाइसेंस है ना कि आप केस लड़ने जा सकते हो अपने या तो स्टेट बार काउंसिल में, अपने कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, या फिर आपके पास AIB का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप ऑल इंडिया का
जो मेंबरशिप है एआईबी की, अगर आपके पास मेंबरशिप आ गई है, आप एडवोकेट बन गए हो, तो एडवोकेट के दौरान करंटली अब अगर आप एडवोकेट भी हो और आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते भाई, एक ही चीज चूज एक ही चीज आप कर सकते हो, तो जॉब करो या एडवोकेसी का प्रोफेशन एज अ एडवोकेट के तौर पर आप प्रैक्टिस करो, पहली बात। दूसरी बात करी जाए, एक रूल नंबर 47 आता है एडवोकेट एक्ट के अंदर, एक रूल नंबर 7 के अंदर साफ लिख दिया है भाई आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। साथ में कि भाई एक कॉमन सेंस से भी बताओ कि आप एक पहली बात तो लीगल प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कह रहे हो, टॉप मोस्ट प्रोफेशन कह रहे हो, और साथ में आप कोई दुकान खोल के बैठ जाओ, कोई अपना बिजनेस खोल के बैठ जाओ, तो क्या इसमें डिग्निफाइड आप कर पाओगे, प्रोफेशनल नोबेलिटी को आप मेंटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप एडवोकेट हो तो आप एडवोकेट के अंदर ही अपना प्रोफेशन को, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाओ। तो इसीलिए रूल नंबर 47 में ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है बार काउंसिल की तरफ से कि आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप स्लीपिंग पार्टनर नहीं बन सकते, आप एक कंपनी के अंदर आप स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हो, एक पार्टनरशिप में एक स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हो जिसका कोई भी रोल नहीं होता है, वो एक पार्टनर तो होता है तो उसका एक मेजर मैनेजमेंट के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है, तो इसीलिए आप स्लीपिंग पार्टनर कोई भी कंपनी के अंदर बन सकते हो और बिजनेस कर सकते हो विद कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल से भी आपको एक बार कंसल्टेशन कर लेना, फिर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में आप एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर अपनी सर्विसेज दे सकते हो, याद रखना। दूसरी बात इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये बोल रखी है कि भाई एक ऐसी कंपनी में आप स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हो जो आपके एडवोकेसी के जो डिग्निफाइड नोबल प्रोफेशन के ऊपर कलंक ना लगे, उसकी वैल्यू डाउन ना हो, ऐसी कंपनी में आप स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हो, ये एक बात इन्होंने क्लीन शब्दों में बोल रखी है। तो रूल नंबर आता है 48, आप इसमें बोल रखा है कि भाई आप कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ना आप डायरेक्टर बन सकते हो और चेयरमैन बन सकते हो, लेकिन आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते, आप सेक्रेटरी नहीं बन सकते, क्यों? उनका सारा का काम मैनेजमेंट का होता है, सिर्फ इसी वजह से आप डायरेक्टर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बन सकते हो, ये मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी है। अब रूल नंबर 49 की बात करूं तो रूल नंबर 49 के अंदर बोला कि भाई आप कोई भी फुल टाइम सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय के तौर पर काम नहीं कर सकते कोई भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में, पहली बात, या कोई भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन की, किसी भी बंदे की ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी फर्म है या कोई भी कॉर्पोरेशन है, आप कोई भी फुल टाइम सैलरी बेस्ड एक एम्प्लॉय के तौर पे काम नहीं कर सकते अपने एडवोकेसी के लाइसेंस के दौरान। क्या प्रैक्टिस भी कर रहे हो और फुल टाइम सैलरी के एम्प्लॉयमेंट के बेस पे आप कहीं पे जॉब भी करो, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल पाएगा? अगर आप ऐसा करते हो तो बार काउंसिल आपका टर्मिनेट कर देगा, पूरा आपका लाइसेंस, एडवोकेसी का लाइसेंस आपका टर्मिनेट कर देगा, रद्द कर देगा, खत्म कर देगा, याद रखना मेरी बात। अब इसके अंदर रूल नंबर 50 की बात करूं मैं तो इसके अंदर अगर आपको कोई भी बिजनेस पुश्तैनी तौर पे मिला हुआ है, सक्सेसर के तौर पे मिला हुआ है, इनहेरेंट तौर पे मिला हुआ है कि आपके पापा आपके दादाजी का कोई पुश्तैनी काम होता है, वो चलते 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 अब आपके पास भी आ गया है वो काम, तो क्या वो काम आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? इसके अंदर साफ हो रखा है कि आप ऐसा काम फैमिली बिजनेस कर तो सकते हो, कंटिन्यू चला तो सकते हो, लेकिन भाई आप पर्सनली मैनेजमेंट के अंदर डील पर्सनली तौर पे डायरेक्ट तौर पे नहीं करोगे, आप चला सकते हो लेकिन पर्सनली मैनेजमेंट के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ये क्लियर बोल दिया है रूल नंबर 50 के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि एक्चुअल में सिंपल बात मैं बताता हूं कि एडवोकेट्स एक्चुअल में क्या काम कर सकते हैं बिल्कुल बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। सबसे पहली बात भाई आप जो है रिव्यू कर सकते हो जितने भी पार्लियामेंट के बिल्स आते हैं, आप एक रेम्यूनरेशन के तौर पर बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं तो इसके अंदर आप अप्लाई करो पार्लियामेंट के रिव्यू ऑफिसर के तौर पे कि वहां पे रिव्यू करे जाते हैं पार्लियामेंट के बिल्स, तो रेमुनरेशन आपको उसका पेमेंट मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो पेमेंट मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो वो काम आप कर सकते हो पहली बात। दूसरा काम आप कर सकते हो कि भाई आप कोई भी लीगल टेक्स्ट बुक्स को एडिट कर सकते हो, ड्राफ्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है लॉयर्स एडवोकेट्स ड्राफ्टिंग में मास्टर होते हैं, उनसे बेहतर ड्राफ्टिंग के अंदर कोई भी मास्टर नहीं होता है पूरे इंडिया में, ये आपको पता ही है, तो आप एडिट कर सकते हो लीगल की टेक्स्ट बुक्स सैलरी के बेस पे, पैसा आप कहीं पे आप काम कर सकते हो, अपना एडवोकेसी का प्रोफेशन भी आपका चलेगा, आप कहीं पे लीगल टेक्स्ट बुक के तौर पे आप कहीं पे सैलरी बेस के तौर पे आप काम भी कर सकते हो, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट आता है कि आप ब्रॉडकास्टिंग के अंदर भी एंगेज हो सकते हो, ये भी वैलिड है कि एडवोकेसी भी आपकी चलते रहे और आप ब्रॉडकास्टिंग के अंदर भी काम कर रहे हो, बिल्कुल आप सैलरी बेस के ऊपर हो सकते हो, आप जर्नलिज्म भी कर सकते हो कि आपका एडवोकेसी का भी प्रोफेशन चलता रहे और आप जर्नलिज्म का भी प्रोफेशन चला रहे हो, बिल्कुल पॉसिबल है। आप जो है लेक्चर भी कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओज में, कॉलेजेस में,
में, स्कूल्स में आपको पेमेंट मिल रही है कहीं पे कि आपको लेक्चर देना है, कोई भी लीगल मुद्दों के ऊपर आप वहां पे लेक्चर भी देने जा सकते हो। आपको अगर बच्चों को पढ़ाना भी है कोई कॉलेजेस में, आप बिल्कुल पढ़ा सकते हो। आप बल्कि लीगल प्रोफेशन लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाओ या नॉन लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, ऐसा कोई भी बाउंडेशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन बार काउंसिल की तरफ से नहीं लगाई गई है। तो आप अगर टीचिंग का प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, भले वो लीगल बच्चों को पढ़ाना है आपको या नॉन लीगल बच्चों को पढ़ाना है आप पढ़ा सकते हो। ये बात भी हमारे को रूल नंबर 52 में बकायदा लिखी हुई है, आप चेक करिएगा गूगल पे या फिर आप पूरा एडवोकेट एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने वो पूरी की पूरी डिटेल्स दे दी है और आपको ये वीडियो देखकर एक्चुअल में बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आया होगा। पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपको एक एक बात बताई है, मैं क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको पूरे यूट्यूब में इतनी आसान शब्दों में कोई भी नहीं बताएगा। तो आपको अगर लगता है अब समझ में आ चुका है कि एडवोकेट जो अलाउड है इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए या नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपको क्या प्रोफेशन अच्छा लगा इन सभी बातों में से, कौन सा प्रोफेशन आपको अच्छा लगा इंडिया के अंदर, आपको एक्चुअल में क्या लगता है कि अगर आप एज एडवोकेट के तौर पे अपनी सर्विसेज दोगे तो आपको कोई दूसरा कोई भी अपना प्रोफेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जरूर बताइएगा कोई भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी बात ये कि अगर आपको थोड़ी सी भी कोई भी ये वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन मिली अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव अगर ये वीडियो लगती है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स, बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं अनअवेयर होते हैं ये सारी की सारी बेसिक बातों से। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर करके सभी लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। तो ऐसी वीडियोस मैं लाते रहता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।